तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर स्टूडियो DID का यूज करके वीडियो बना रहे थे और यहाँ पर क्रेडिट खत्म हो गया है, आप चाहते हो कि इसमें वापस आए, तो आप गलत हो। इसमें वापस आएगा ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टूडियो DID के 5 ऐसे अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप सेम स्टूडियो DID की तरह ही वीडियो बना सकते। दोस्तों, हमारे पहले नंबर पर आता है ilai.io। यहाँ पर आपको URL दिख रहा होगा मेरे दोस्त, आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस AI का भी आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर पाओगे। मतलब कहने का कि जिस प्रकार का आप रील इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, उसी प्रकार का सेम आप ilai.io का यूज करके बना सकते हो। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर आना है एंड आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होम पेज दिखेगा। यहाँ पर इस AI का कैसे यूज करना है अगर आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पर हाउ इट वर्क्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तब आपको कुछ ट्यूटोरियल दिखेंगे, मतलब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे ये काम करता है। और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो तो इसको बिना देखे आप यहाँ पर ट्राई ilai फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है एंड अकाउंट बना करके आपको इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि इस AI के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जितना भी स्टूडियो DID अल्टरनेटिव बताने वाला हूं, सब के ऊपर मैं वीडियो बना करके दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज में एंड पूरा ट्यूटोरियल दूंगा। जैसे आपको पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे AI का रिव्यू दे दिया है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो पिक्ट्री AI का यूज कैसे करें, ये सबसे पॉपुलर है। एंड यहाँ पर लिनार्डो AI का यूज कैसे करें, मतलब आप सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है, तो एक बार जरूर विजिट कर लेना। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं और आने वाले वीडियोज में मैं बहुत सारे AI को रिव्यू देने वाला हूँ और उसको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर ilai.io का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ये बहुत ही इजी AI है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले AI की ओर, जिसका नाम है ppo.ai। यहां पर अभी आप देख सकते हो दोस्तों ppo.ai, ये भी एक ऐसा AI टूल है जिस प्रकार से आपने DID का यूज करके, स्टूडियो DID का यूज करके वीडियो बनाया है, सेम उसी प्रकार से आप यहाँ से भी वीडियो बना सकते हो। ppo. यहाँ पर आपको सर्च करना है myppo.com। ppo मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर URL में दिख रहा होगा myppo.com। दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सिंपली आप साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना करके यहाँ पर भी आप फ्री में वीडियोज बना सकते हो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट AI की और, जिसका नाम है दोस्तों डीप ब्रेन AI स्टूडियो। यहाँ पर दोस्तों ये एक ऐसा AI टूल है जिसका इस्तेमाल आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने स्टूडियो DID का एक्सपीरियंस लिया है, तो आप इसी AI का यूज करो दोस्तों, क्योंकि ये AI भी सेम स्टूडियो DID की तरह ही वर्क करता है। AI वीडियो बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर क्रिएट अ फ्री AI वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे कंपनी जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, नवेडिया, लेनोवो, NC, सैमसंग, यहाँ पर इन सभी कंपनी के द्वारा इसी AI का यूज करके एड बनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इस AI के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा अगला वीडियो यही है। अगर आप चाहते हो कि मैं डीप ब्रेन AI से कैसे वीडियो बनाऊं, आप सिखाओ, तो अगला आने वाला वीडियो यही है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लेना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टूल की ओर। दोस्तों, हमारे अगले टूल का नाम होने वाला है our1.ai। यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये AI भी एक ऐसा AI है जिसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली क्रिएट अ फ्री वीडियो के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बनाना है एंड यूज करना है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कंपनी दिख रहे होंगे दोस्तों जो इस AI का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप स्टूडियो DID का इस्तेमाल करते करते थक गए हैं, तो आप इन सभी AI का यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट AI की ओर, जिसका नाम है synthesia.ai। यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है synthesia। जैसे ही आप सर्च करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिखेगा, इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो होम पेज में कुछ synthesia.ai इस प्रकार का दिखता है।
दोस्तों अगर आप भी इस एआई का यूज करना चाहते हो तो बहुत इजी टू प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो कि आप कैसे इसका यूज करके अपना वीडियो बनाओगे, तो यहाँ पर सिंपली हाउ इट वर्क्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे आप यहाँ से अपना वीडियो बना सकते हो। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, टर्न टेक्स्ट टू इंटू स्पीच इन ओवर 122 मतलब कि 120 लैंग्वेजेज, यहाँ पर 120 लैंग्वेज मिलता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप भी स्टूडियो डीआईडी को यूज करते करते थक गए हो तो आप इस वीडियो में बताए गए 5 एआई में से किसी भी एक एआई का यूज करके वीडियो बना सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल इंस्टाग्राम पर कितने वीडियोज वायरल हो रहे थे और सबके सब एआई के द्वारा बनाया जा रहा था दोस्तों। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम को एक महीने में ग्रो करना चाहते हो तो एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो कि अगले वीडियो में दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।